लिमरा लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई 88 इलाके की, जो ट्रॉम्बे चीता कैंप के नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा पैमाने पे ड्रग्स बरामद किया गया और ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया गया। ड्रग्स पेडलर का जो नाम है, आरोपी का जो नाम है, अली मोहम्मद शफी आलम बताया जा रहा है। और जो ड्रग पेडलर के पास में जो माल बरामद हुए हैं, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जो है 61 लाख बताया जा रहा है, 60,80,000 बताया जा रहा है। और ये लॉकडाउन के दौरान पहला रेड है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने में ड्रग्स मिले हैं। और जो ड्रग पेडलर है, ये एक सीजनल पेडलर है। ये 12 महीने का इसी का कारोबार है, यही इसका कारोबार है। बुधवार को शाम को 5 बजे जब ड्रग पेडलर अपने जो ड्रग एडिक्स है इनको माल जब ड्रग्स देने गया था, तभी इसको घेर के इसको अरेस्ट किया गया। और ये अरेस्ट में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहजी उमाप साहब भी मौजूद थे, और साथ ही साथ में नितिन सावंत ये भी मौजूद थे, जो यूनिट क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के सीनियर इंस्पेक्टर है, ये भी मौजूद थे। और जब जब अली मोहम्मद से बात किया गया तो अली मोहम्मद से ये भी पता चला कि ये ऑलरेडी NDPS के केस में दर्ज हुआ है। ये इसका पहली बार नहीं है, इससे पहले भी NDPS केस में दर्ज किया गया है, और ये बार भी उसको NDPS एक्ट के तहत उसको दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ में उसको जो नेक्स्ट रिमांड है वो जुलाई 7 तारीख का नेक्स्ट रिमांड मिला है। और ये जो रेड है, ये रेड जो क्राइम ब्रांच के यूनिट के स्टाफ है उनको एक टिप ऑफ मिला था कि चीता कैम इलाके में ऐसा कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है, पूरे लॉकडाउन में ये ड्रग सप्लाई कर चुका है। तो उसके बाद में जब पुलिस ने घेर कर इसको अरेस्ट किया गया, जो ये जो एरिया है साई बाबा नगर चीता कैम का इलाका है, यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी जो सर्वेलेंस में अली मोहम्मद को सर्वेलेंस में रखे हुए थे। लेकिन जब अली मोहम्मद शाम को 5 बजे बाहर निकला, उसके हाथ में एक बैग था, वो बैग में ड्रग्स मौजूद थे। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करते साथ ही जब वो बैग लेकर उन्होंने चेक किया तो उसके अंदर 2 किलो गांजा और 290 ग्राम हीरोइंस बरामद हुए। और अली मोहम्मद का ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अरेस्ट हो चुका है। एंटी नार्कोटिक सेल ने इसको अरेस्ट किया गया, मुंबई पुलिस ने। और ट्रॉम्बे पुलिस का ये भी कहना है कि ये वेस्टर्न सबन में ज़्यादा सप्लाई कर चुका है, और इसका एक साथीदार है जो अभी वांटेड में है, जिसको ट्रेसेबल नहीं कर पा रहे। शेख का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो ड्रग एडिक्स है उनके साथ में बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये रेगुलरली सप्लाई कर चुका है पूरे लॉकडाउन के दौरान, और जब भी इसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो ये हमेशा चकमा देकर निकल जाता था, क्योंकि इसके जो ड्रग्स एडिक्स है ये काफ़ी इसको सपोर्ट करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के दौरान ये भी पता चला है कि जो हीरोइन है ये भवानी मंडी राजस्थान से सोर्स किया हुआ है, राजस्थान से लाया गया है। और जो कैनाबिन से गांजा ये छत्तीसगढ़ से सोर्स किया हुआ है, वहाँ से लाया गया है। और पुलिस का ये कहना भी है कि ये कोई नॉर्मल व्हीकल में नहीं लाया गया, ये एसेंशियल की गाड़ी में यहाँ तक पहुँचा है। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया।